नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा बॉलीवुड के जुबली कुमार का है। जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार। किस्सा राजेंद्र कुमार की उस खाट का है जिसे उन्होंने मशहूर कर दिया। बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, इसलिए उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जुबली कुमार भी कहा जाता था। हम बात राजेंद्र कुमार की कर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया था जिसे शायद ही आज तक किसी और ने हासिल किया हो। राजेंद्र कुमार ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्में सिनेमाघरों में 25 हफ्तों तक लगातार चलती रहती थी और इसी वजह से राजेंद्र कुमार को इंडस्ट्री में जुबली कुमार बुलाया जाने लगा। और इसी के चलते आज की इस स्टोरी में हम आपको राजेंद्र कुमार से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। ये तब की बात है जब राजेंद्र कुमार हीरो बनने के लिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे। वहां पुरानी बिल्डिंग में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था जिसका नाम था बॉम्बे गेस्ट हाउस, जिस पर लिखा हुआ था ये गेस्ट हाउस केवल एक्टर बनने आए लोगों के लिए ही है। उस दौर की खबरों की माने तो इस गेस्ट हाउस में धर्मेंद्र से लेकर राजकुमार तक आकर रुका करते थे। जब राजेंद्र कुमार मुंबई आए तो वो भी इसी गेस्ट हाउस में आकर रुके। इस गेस्ट हाउस में राजेंद्र एक खाट पर सोया करते थे। फिर जब राजेंद्र कुमार बॉलीवुड में बड़े स्टार बन गए तो उस गेस्ट हाउस के एजेंट ने उस खाट की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। वो एजेंट लोगों से कहता कि इस खाट पर सोने की वजह से ही राजेंद्र कुमार फिल्मों के जुबली कुमार बने हैं। और इतना ही नहीं, बाद में जो लोग उस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आए तो वो उस खाट पर सोने के लिए कहा करते थे और उसे किराया भी दिया करते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार जिस खाट पर सोते थे वो और भी मशहूर हो गई। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार ने साल 1950 में फिल्म वचन से अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली फिल्म मदर इंडिया से। उनसे जुड़ी एक और बात है कि जब वो बॉलीवुड में अपना नाम बना रहे थे तब राजेंद्र को एक बंगला पसंद आया और उन्होंने वो बंगला खरीद लिया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि वो एक भूत बंगला है। पर राजेंद्र कुमार ने जब से इस बंगले को खरीदा उनका करियर सिर्फ ऊपर ही उठा और उठता गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।